एडिशनल स्पोक्सपर्सन पीडीपी के जो है वरिंदर सिंह सोनू मेरे साथ हैं, और बर्निंग इश्यूज जितने भी है उन सब पर बात करेंगे, और कुछ बर्निंग इश्यूज ऐसे हैं जो उनकी पार्टी से रिलेटेड है, वो सवाल भी ज़रूर मैं उनसे पूछूंगा। पहले उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसपे उन्होंने बिजली के बारे में बहुत ज़्यादा बहुत गुस्से में बेसिकली कहा है कि बिजली जो है वो इस वक्त जम्मू वासियों को नहीं मिल रही, शॉर्टेज है बिजली की। वीरेंद्र जी एक सवाल, क्योंकि अब आपके पास आया हूँ और जो है सामने की रूलिंग पार्टी जो है या प्रॉक्सी अगर कह लीजिए, क्योंकि एल जी मनोज सिन्हा साहब जो है वो भाजपा से हैं, ये सुनने में और मैं भी चेक कर रहा था कि ये जो मीटर का पूरा गिफ्ट है ये स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद जी ने जो है वो जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था मीटर सिस्टम, जबकि हम बहुत ज़्यादा पावर जनरेट जो है हम कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट्स को भी हम ही दे रहे हैं, मगर फिर भी ये जो मीटर का पूरा सिस्टम है मुफ्ती मोहम्मद सईद जी ने जो है वो गिफ्ट दिया था जम्मू कश्मीर को, उस पर भी कुछ बोलना चाहेंगे? बाकायदा जो आप भड़क रहे हैं इस टाइम की शॉर्टेज है, बिल्कुल शॉर्टेज है, हमने 6 से 7 स्टोरीज कल इसी पे की थी बिजली की शॉर्टेज पे हर एरिया में जा जाके, और उससे ज़्यादा फ़ोन मैंने रिसीव किए थे, मगर इस पर भी कुछ आपका विचार? देखिए ऐसे है कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, जो आज लोगों का मसला है हमने वो उठाया है, बिजली की ज़रूरत उतनी मुझे उतनी आपको है उतनी ही बाकी सब लोगों को है। बात आपने मीटर की की, ठीक है, जब सरकार बनी 2002 की आप बात करें हैं 3 की, तो एक पॉलिसी एक बनी कि हर घर में मीटर लगाना चाहिए और लोगों ने लगवाए, तो लेकिन मीटर तो आपको नज़र आए, लेकिन उसके बाद जो 24 घंटे लोगों को लाइट मिलती रही मुफ्ती साहब के टर्न ओवर में या उसके बाद भी जो कांग्रेस के साथ हमारा लड़ रहा, वो भी तो एक उपलब्धि थी कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर किया, इतना सब कुछ करके किया। आज जो इशू है, आज हम उस इशू पे जो बात करते हैं कि पिछले 4 दिन से जम्मू में बिजली में भारी कटौती नज़र आ रही है, और जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है कि जो हम बिजली खुद बनाते हैं, आप भी इस बात को जानते हैं कि ऊपर वाले ने हर एक रियासत को कोई ना कोई तोहफा दिया, रिसोर्सेज दिए, हमें पानी दिया है तो पानी से बिजली मिलती है, इतने प्रोजेक्ट यहाँ लगे हैं बिजली के, बिजली हमारे पास सरप्लस है, लेकिन पिछले 4 दिन से जब ऊपर से गर्मी 43 डिग्री का पारा क्रॉस कर चुकी है और शहर में बिजली नहीं है, जब हम बिजली डिपार्टमेंट के आदमियों से पूछते हैं, उनके ऑफिसरों से पूछते हैं, हायर ऑफिसर से पूछते हैं, वो कहते हैं जी गर्मी बहुत पड़ रही है। भाई ये कौन सा जवाब है, गर्मी तो आज इस साल भी इतनी है, पिछले साल भी पड़ी थी, उससे पहले भी पड़ती होगी गर्मी। हमारा ये कहना है कि अगर पिछले साल बिजली पूरी थी आज बिजली को क्या हो गया? और दूसरी बात जो उसमें ऐड में ये करना चाहता हूँ, आपको भी याद पता है कि इस वक्त आधी मार्केट खुल रही है आधी बंद है, 5 बजे के बाद सारी मार्केट बंद हो जाती है, कमर्शियल साइट्स बिल्कुल बंद हैं, जिम बंद हैं, होटल बंद हैं, स्विमिंग पूल जो जहाँ जहाँ बिजली ज़्यादा खपत होती है बंद है। तो आज अगर ये बिजली नहीं पूरी कर पा रहे हैं, अगर आप सोचिए लॉकडाउन नहीं हो कल सब कुछ ये खुल जाएगा तो बिजली तो टॉर्च लेकर ढूंढनी पड़ेगी भी जम्मू शहर में बिजली है कहाँ। सो हमारा ये है, आप कहते हैं कि आज गुस्से में, हम लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए, जो लोग परेशान हैं लोगों की बात के लिए हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ हैं, उनको क्यों नहीं समझ आ रही कि जम्मू के लोगों के साथ ये अनदेखी हो रही है, कि जम्मू के लोगों को क्यों चक्की में पीसा जा रहा है उनके साथ। अगर आपको याद हो तो जब मीटर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, तब भी इसी तरीके के विरोध हुए थे, बहुत जो है लोगों ने कहा था ये क्यों हमारे सिर पे ये आप लाद रहे हो, जिस तरीके से पीडीटी हमारे से बिल लेता है मंथली, क्योंकि हम सर इतनी ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं तो उसी स्टेट पे आप मीटर लगा दोगे, तब भी इतने विरोध हुए थे, मगर तब भी जो है वो सुनी नहीं थी। तो फिर यही बात है ना कि जिसके हाथ में जब लाठी आएगी वो अपने तरीके से जो है बकरियाँ भी चराएगा, बैल भी चराएगा, और जम्मू के लोग जो है उसी तरीके से जो है इस वक्त ब्यूरोक्रेसी हो या बाबूडम हो वो उसी तरीके से चरा रहा है। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि हम ये कहें कि बिजली रहने दे जम्मू के लोगों को, नहीं मिलनी चाहिए? अगर दस घंटे काट है तो उसको 16 घंटे कर दिए, बात आई स्मार्ट मीटर। मैं इसी पॉइंट पे जो है वो वीरेंद्र जी को लाना चाहता था, मैं ये कह रहा हूँ कि पीएचडी की मीटिंग के लिए महबूबा मुफ्ती जी टाइम निकाल सकती हैं, पूरा डॉक्टर फारूक गुलाम के घर जा सकते हैं, मगर जम्मू के लोग शॉर्ट जो है वो फेस कर रहे हैं, बिजली का शॉर्ट फेसेस कर रहे हैं, इस पर महबूबा मुफ्ती जी क्यों नहीं कुछ बोलती? महबूबा मुफ्ती जी से मेरा कहने का मकसद ये है कि वो इतनी बड़ी लीडर हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही हैं, वो बोलेंगी तो ज़्यादा जो है बात दूर तक पहुंचेगी और इवन कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक जो है उनकी बात पहुंच जाती है, तो वो उनको जम्मू से कोई कंसर्न नहीं है ना, तभी पीडीपी से जो है वो जम्मू के लोग बहुत दूर है। चलो हम मान लेते हैं आपकी बात कि उनको नहीं है, तो जो जम्मू के ठेकेदार उनको कंसर्न है, जितेंद्र सिंह जी देखे आपने कहीं बोलते हुए, निर्मल सिंह जी देखे आपने कोई बात करते हुए, कविंदर गुप्ता साहब देखे बिजली की बात करते हुए, इनके जो जुगल किशोर शर्मा साहब हैं उनको देखा, चलो मैं आप ही की बात मान लेता हूँ। दूसरी बात यह है, आज महबूबा जी की पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या लोगों के मसले उठा रही है, हम किसके भी आप पे बात कर रहे हैं, पार्टी के भी आप पे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बिजली जम्मू में अगर नहीं है
तो फेलियर किसका है? मैं आपसे पूछ, फेलियर किसका है? फेलियर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, फेलियर है जुगल किशोर शर्मा साहब का, फेलियर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, एलजी लाया है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से, हम किन से पूछेंगे जाके? जिन लोगों का फेलियर है वो अंदर हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे। आज क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बाहर निकल के ये बात कह रही? अभी क्या बात है, अभी 5 दिन से बिजली क्यों बंद है? आज अपोजिशन की पार्टियाँ बात तो कर रही हैं ना, बीजेपी के लीडर भी जम्मू में रह रहे हैं, वो क्यों नहीं बोल सकते हैं? इसका मतलब उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनको कोई सुनता नहीं, तो जहाँ वो जम्मू के लोगों के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर उनको जम्मू को कहता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है वो जम्मू के ठेकेदार बने, वो क्यों नहीं आते हैं आज बार? हम तो बात कर रहे हैं ना कि भाई बिजली दो लोगों को, या स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम बोल रहे हैं, हमारी को पॉलिसी वो बताइए, वो क्या करना चाहते हैं? वो क्यों नहीं आते हैं लोगों के बारे में ये कहने के लिए कि भाई आप लोग जम्मू के लोगों के साथ गलत कर रहे हो? ठीक है आपने जो बात की, मैं भी ये कहता हूँ कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेवारी वो कहाँ है? और स्मार्ट मीटर की आप बात कर रहे हैं, हमने तब भी मीटर तो पहले भी लगे हैं ना, पूरे जम्मू शहर में लगे हुए हैं। आज कोरोना काल में ही क्यों आप दोबारा स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हो, जब लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं, लोगों का रोजगार जा चुका है, लोगों का कामकाज बिल्कुल बंद है, तो आज ही क्या जरूरत पड़ गई स्मार्ट मीटर लगाने की? डेट थोड़ी आएगी इसकी, तो इस पे तो सिर्फ चर्चा ही नहीं, नहीं डेट क्यों नहीं? अगर लोगों नहीं चर्चा किया, वो तो टेंडर कॉल करने जा रहे हैं। कल उन्होंने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे नहीं पता आपने कवर की है कि नहीं की है, मैंने देखी है, वो कह रहे हैं हम स्मार्ट मीटर लगाना चाहते हैं। भाई आप स्मार्ट मीटर जी चोरी हो रही है, मुझे आप बात बताइए कि पूरे जम्मू शहर में मीटरिंग हुई है ना, मीटर पहले लगे हैं ना, फिर चोरी हो कैसे रही है? कौन करवा रहा है? उसके लिए जिम्मेवार कौन है? जेपीडीसीएल की जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मैंने पूरी कवर की थी, और उसमें काउंटर क्वेश्चंस भी काफ़ी किए थे। वो जो कह रहे हैं ओवरलोडिंग या फिर वो चोरी की बात जो कर रहे हैं, और इस वक्त जब हम पीडीपी ऑफिस में बैठे हैं, ये जो एसी भी पीछे चल रहा है, थोड़ा पैन कीजिएगा, इनका जो बिलिंग सिस्टम है या फिर जो गेस्ट हाउसेज हैं हमारे गांधीनगर के, सिर्फ पीडीपी ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे अपनी पार्टी का ऑफिस है, बड़े और सारे ऑफिसेज हैं, इन सब के जो मीटर है, बिलिंग है, ये कितनी आती है ये भी तो पता चले। यही तो मेन चोरी और मेन चीजें यही तो है। ऐसे है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपने अपने कैमरामैन को कहा आप एसी की तरफ कीजिए। अब मेरे जब आप यहाँ से जाएंगे ना, तो हमारा दरवाजे के बाहर मीटर लगा है, ठीक है जी, आप उसको भी वीडियो उसकी भी बना के दिखाइए कि वहाँ हमारा मीटर लगा है कि नहीं लगा है, हम बिजली का बिल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और दूसरा, हर महीने इस ऑफिस का जो बिल है बिजली का, तो हम आपको उसको सीधे भी दिखा देंगे कि हम हर महीने उसका बिल देते हैं। कितना आ रहा है बिल? ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये तो ऑफिस के जो सेक्रेटरी हैं वही करते हैं जो ऑफिस का, लेकिन उसका बिल आता है, और बिल तकरीबन मुझे नहीं पता कितना, आप उसको कॉपी भी दे देंगे। और आप देखिए कि बाहर मीटर लगा, और आप खड़े हो आधा घंटा चेक कर लीजिए, अगर अंदर एसी चल रहा है बाहर मीटर की रीडिंग भी चढ़ रही होगी। बात चोरी की ये नहीं है वीरेंद्र जी, ठीक है मैं मान रहा हूं। नहीं, आपने क्वेश्चन किया, मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब दे रहे हैं, पर्सनलाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं सारी पार्टीज और सारे गेस्ट हाउसेस की बात कर रहा हूँ, उनका नहीं पता, मैं अपनी की बात, अपनी सारे पार्टी सारे गेस्ट हाउसेस की बात कर रहा हूँ। ये इतनी बिजली खपत करते हैं जितना इनको बिल आता है, वो लोड नहीं है, ये जम्मू के जो आम लोग हैं वही इतना लोड डाल रहे हैं जेपीडीसीएल की जो इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर है। कि जब आप किराया ले रहे हो ना, आपने मीटर लगाया है किसी के घर के बाहर, उससे किराया ले रहे हो, तो बिजली देनी है ना, बिजली किससे पूछने जाना है? मुझे बताइए, अगर आपको कोई तंगी है, अगर कोई जम्मू आवाम को कोई तंगी है, आवाम सरकार के पास जाएगी। सरकार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है, प्रॉक्सी गवर्नमेंट मैं उन्हीं की कहूँगा। आप मुझे बताइए कि जिसके घर के बाहर मीटर लगा है और हर महीने वो बिल दे रहा है, आप जे एंड के बैंक में जाके देखिए कितनी लंबी लाइन होती है बिल भरने वालों की, आपने देखा होगा ना, अक्सर लोग जनरेट कर दे रहे हैं ना, लोग रेवेन्यू उनको दे रहे हैं, डिपार्टमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। मैं कहता हूँ कि आज मसला ये है कि अगर ये कहते थे पिछले, अगर ये आज चोरी है तो पिछले साल भी होती होगी, अगर पिछले साल बिजली देने के लिए थी आज नहीं है, तो उसकी वजह क्या है? और दूसरी वजह मैं इसमें बताता हूँ, जो छक खड़े करती है, छक का जो शोभा है, जिसपे जब आधा बाजार बंद है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद है, सब कुछ बंद है, तब बिजली का ये हाल, अगर वो सब कुछ खुला रहेगा तो बिजली कहाँ से पूरी कर पाएंगे जी? हम ये बात कहना चाहते हैं कि मुझे बताइए ये फेलियर किसका है? अगर इसके ऊपर कोई फेलियर है, ये तो नहीं कह सकते ना कि चोरी हो रही है, ये बात हम मानते ही नहीं कि चोरी हो रही है। बात कोई और है कि बिजली, मुझे आप ये बता दीजिए कि बिजली, हमारा जम्मू कश्मीर सरप्लस बिजली बनाने वाला स्टेट है, ठीक है, कहीं बेच रहे हैं जो करें, हम उससे उस पर भी नहीं जाते। मैं ये कहता हूँ कि अगर पूरा मार्केट खुल जाएगी, पूरे बाजार खुल जाएंगे, तो लोगों को बिजली कहाँ से मिलेगी? कौन देगा बिजली? तो बिजली है कहाँ फिर? ये सरप्लस वाली बात जो है, इस पर आप बात नहीं कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आपके टेन्योर में भी बेच रहे थे, ऑपोजिशन में जितने लोगों ने रूलिंग में रहे हैं उनके टेन्योर में भी बेच रहे थे, शॉर्टेज उनके टाइम पे भी आती थी। सवाल, हमने ऐसे रात कभी पावर के नहीं देखे हैं, मैंने अपनी लाइफ में ना, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन ये हालात हमने नहीं देखे। और पहले ऐसा तो कभी था नहीं ना, पहले तो कमर्शियल डिमांड सबसे ज़्यादा थी, ये तो आज 2 महीने से कमर्शियल डिमांड नहीं बंद है। आप भी देखिए, आधा बाजार खुल रहा है, 5 बजे के बाजार बाद खुल रहा है, जितनी सड़क दुकानें बंद रहती हैं, अगर बिजली सेव ही हो रही है ना, तो मुझे बताइए फिर ये नेक्सस नहीं है तो क्या, ये गलती किसकी है, ये कौन आदमी इसके लिए इन्वॉल्व है? इसके ऊपर देखना चाहिए वजह क्या है। आप वजह, मैं ये कहता हूँ कि पावर कट हो सकता है 1-2 घंटे का,
सिस्टम है ना, हो सकता है, लेकिन 14-14 घंटे का पावर कट तो नहीं ना हो सकता है। लोग बिजली के जो फंड रेवेन्यू भी दें और बिजली भी ना मिले तो लोगों ने तो कहीं ना कहीं जाना। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, JPDCL और बशीर खान जी ने कल मीटिंग ली एडवाइजर टू गवर्नर, उसके बाद अनाउंसमेंट हुई है कि शॉर्टेज जो है वो है और कट्स लगाए जाएंगे, लोड शेडिंग होगी। मान रहे हो कि खड़े कर दिए हाँ JPDCL ने कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये कौन सा सोल्यूशन है? हम बोल रहे हैं बिजली दो आप पूरी कर रहे हो, वो बोल रहे हैं शॉर्टेज, ये कोई सोल्यूशन है? आप बात पे आ रहे हैं, मुझे बताइए, हम कह रहे हैं कि बिजली दो, वो कहते हैं जी कट लगेंगे, ठीक है जी। अब हम उनसे ये पूछना चाहते हैं जी कट लगेंगे क्यों, ये हमारा हक है पूछने का। भाई कट तो आगे ही लग रहे हैं, 5 बजे के बाद सारी मार्केट बंद है, कमर्शियल एक्टिविटी सारी बंद है, कट तो आगे ही लग रहे हैं। अगर ये हाल है, अगर अब ये कह रहे हैं हमने 8 घंटे का कट लगाना है जो कह दिया इन्होंने, अगर ये मार्केट सारी खुल जाएगी कट 16 घंटे का हो जाएगा ना, तो फिर मुझे बताइए ये बिजली का स्कैंडल नहीं है तो क्या है? कौन आदमी उस बीच में इन्वॉल्व है? कौन आदमी है कि जिसको ये नहीं, इनको ये नहीं पता चल रहा है कि बिजली की डिमांड अभी कम है तो ये हालात है? गर्मी पहली बार तो पड़ी नहीं है, पिछले साल भी 43 डिग्री गया होगा, उससे पिछले साल भी गया होगा, ये तो नहीं कि गर्मी पहली बार पड़ी। आप लोग पार्टी ऑफिसेज में भी रहते हैं और गेस्ट हाउसेज में भी कभी कभी चक्कर लगाते हैं, जब आपकी रूलिंग थी वहाँ पर जाती है कभी बिजली? देखिए अभी पार्टी ऑफिस में हमारे तो 4 बार आपके बैठे चली गई है, जब से सुबह से आए आप, 4 बार लाइट बंद हुई है ना, आई है ना, तो वो तो आती जाती है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप अच्छी बात कर रहे हैं, अगर गेस्ट हाउस में कोई करता होगा तो वो डिपार्टमेंट जाने हैं कि वो मीटर लगा कि नहीं लगा, तो इंक्वायरी करो भी कौन आदमी है बिजली का किराया नहीं देता, कौन इन्फ्लुएंस आदमी है जो नहीं देता हो, तो उसके ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन आम आदमी, मैं ये चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ ना, क्योंकि रूलिंग में आप रहे हो, जब कभी आप सीएम हाउस जाते थे या कहीं मिलने जाते थे राजभवन या एलजी साहब से मिलने, वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पे भी कभी बिजली जाती हो 1 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए? देखो ये तो डिपार्टमेंटल के लोग ही बता सकते हैं, आप भी रूलिंग, मुझे तो पता नहीं ना, मैं सुनिए ऐसे है ना, मैं सीएम हाउस गया भी हूँगा तो 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, अब मुझे क्या पता वहाँ कब लाइट आती है कब नहीं जाती? ये तो सवाल जो है ये तो पूछना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ मुझे मेरे घर का पूछ लीजिए, मेरे घर में 10 घंटे लाइट जाती है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ 10 घंटे लाइट जाती है, जो मैं बता रहा हूँ आपसे। मतलब आप AC लगाएंगे तो 10 मिनट के बाद लाइट बंद हो जाएगी, कमरा ना ठंडा हो सकेगा पूरी रात, तो ये मेरा अकेले का हाल नहीं, तमाम जम्मू के लोगों का यही हाल है। अब हाँ, अब LG साहब के घर पर सीधी लाइन जाती है जहाँ एडवाइजरों के घर पे, उसके बारे में मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं वहाँ रहता नहीं, जो वहाँ रहते हैं वो बता सकते हैं। मैं अपने घर का आपको बता सकता हूँ कि मेरे घर में 10 घंटे का कट है आज भी, आज मैं सुबह भी जब घर से निकला तो लाइट नहीं थी। ये हर हाल हर जम्मू कश्मीर के जो रहने वाला जम्मू का आदमी है उसके, हम ये कहना चाहते हैं कि ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टोटल फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं है, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक मतलब ब्यूरोक्रेसी राज जम्मू कश्मीर में हो चुका, आम आदमी की सुनवाई नहीं है, जो हमारे कहने का मकसद है। दो चीज़ें, अब क्योंकि बर्निंग इशू था ये और इस पर सवाल भी पूछा, एक तो डिलिमिटेशन होने जा रही है और सुनने में ये भी आ रहा है कि अगस्त या सितंबर तक डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो रिपोर्ट सबमिट कर देगी और उसके बाद जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर या जनवरी तक इलेक्शन भी हो जाएंगी। सुनने में ये आ रहा है कि महबूबा मुफ्ती जी खुद जो है इलेक्शन नहीं लड़ेंगी और महबूबा मुफ्ती के घर से ही, मुफ्ती फैमिली से ही कोई इलेक्शन जो है वो लड़ेगा जिस सीट से वो लड़ा करती थी, कौन होगा वो व्यक्ति, ज़रा अगर आप इशारा देके बताना। देखिए ऐसे है कि ये तो मैंने आप ही से सुना अभी, यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मीडिया में होती हैं, हमें तो पता भी नहीं होता, लेकिन मीडिया उसी का सवाल बनाता है जवाब बना लेता है। पहली बात तो यह है कि 1.5 साल हो गया डिलिमिटेशन कमीशन बना है, पहली बात तो हम तो कहते हैं कि जल्द से जल्द करो, डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में बहाल करनी की जानी चाहिए, सरकार किसी की भी बने किसी की ना बने, लेकिन यह है कि मुझे लगता नहीं है कि इनकी की नीयत कोई साफ है दिल्ली वालों की, जम्मू के लोगों के प्रति। ये कमीशन को 1 साल का टाइम दिया, चलो अब तो कोरोना जैसी महामारी आ गई, अब मुझे नहीं पता ये क्या करने वाले हैं क्या नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की बात तो ये सुनते नहीं, ना जम्मू के लोगों के साथ इनको कोई लेना देना है। महबूबा जी भी परसों या इससे 1-2 दिन पहले यही कहती हुई थी कि दिल्ली वाले सुनते नहीं है, दिल्ली वालों के साथ तो आपने सरकार बनाई थी, जब वो सुनते नहीं तो फिर सरकार क्यों बनाई थी आप? तो जब सुनते थे तब बनाई थी, जब उन वादों पर वो काम नहीं करते तब छोड़ दी, यही हुआ ना कि जब बनाई थी तब किसी झंडा फ्लाइंस पे सरकार बनी थी, लोगों का मैंडेट था, जम्मू ने भारतीय जनता पार्टी के हक में दिया था, कश्मीर में PDP के हक में दिया था। पीडीपी ने तोड़ी थी या फिर भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी छोड़ के भाग गई थी, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, पीडीपी को लग रहा था कि सुन रही है। नहीं, जब देखिए ऐसे है कि जब वो जो करवाना चाहते थे वो जब हमारी लीडरशिप ने नहीं किया, जो वो गलत काम जम्मू कश्मीर के लिए करना चाहते थे, वो कहते थे करो तो उन्होंने कहा हमने नहीं करना, वो सरकार जैसे कि जो 2 साल से जो कर रहे हैं, जैसे कि जो 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ किया, ये डिस्कस हुआ था? नहीं, वो कुछ तो हुआ होगा ना, सरकार क्यों छोड़ी फिर उन्होंने, क्यों, मतलब मैं कहता हूँ कुछ तो वजह हुई रही हुई। मैं ये कहता हूँ कि ये जो कुछ जो चाहते थे करना, हमने इनकी बातें नहीं मानी,
ये जो अब जम्मू कश्मीर के लोगों को एक्सपेरिमेंट लेबॉरेटरी बना के इसका तजर्बा पूरे हिंदुस्तान में करना चाहते थे, ये सरकार छोड़ के भाग गए, इन्होंने जम्मू के लोगों के मैंडेट की कदर नहीं की, हो गया। उसके बाद से लेके आज तक जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी इन्होंने रहने दी है? मुझे आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में कोई पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की उसके लीडर को फ्री हैंड है वो बात कर सके, वो कहीं जा, मैं अब ये तो अभी शुरू हुआ ना, 5 अगस्त 2019 के बाद क्या क्या किया इन्होंने? आज तो एक हालात है कि हम तो तब भी करते थे, हम तो आज भी कर रहे हैं, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, हम तो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी मीन बैटल ऑफ आइडियाज़, ये ख्यालात की जंग होती है, यहाँ हर आदमी को बात करने का हक देना चाहिए। यहाँ तो एक ही बात है, जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वो होगा, यहाँ तो दुख की बात है, जहाँ तो टीका भी वैक्सीनेशन भी जो है वो भी उसका भी पोलिटिकाइजेशन हो गया है, उसका भी सियासीकरण कर दिया टीके का, इंजेक्शन भी वो पार्टी देख के लगाया जा रहा है और इसके प्रूफ है हमारे पास। आप देख लीजिए कि जो इनके लोग हैं वो 35 साल का भी 32 साल का भी है, वो कहता है मुझे डबल डोज भी मिल गई है, लोगों को सिंगल नहीं मिल रही है, व्हाट्सएप पे स्टेटस चढ़ा रहे हैं अपने, वो भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। हम ये बात कहते हैं कि आप कहते हो कि हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, लेकिन किसका साथ और किसका विकास है हमें तो यही नहीं समझ आ रहा। आप मुझे बताइए कि क्या जम्मू कश्मीर में आम आदमी को लगता है कि मेरे लिए गवर्नमेंट है, जहाँ गवर्नमेंट मेरे लिए कोई सोच रही है, जहाँ सरकार कहीं है, जो रातों रात पॉलिसी बनाती हैं, सुबह उसको छोड़ देती हैं, रात को नहीं बना लेते हैं। सो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के ना तो मैंडेट की कदर की है और ना उनको जम्मू के लोगों के साथ कोई प्यार है। क्योंकि ये पीडीपी से कंसर्निंग है और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर अभी वहदुरमान परा जी का जो है वो अभी फिर से सुर्खियाँ बनी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बोला है कि ये जो है असेट थे पाकिस्तान के लिए, असेट के तौर पर काम कर रहे थे उनके, कितनी सच्चाई। और वहदुरमान परा राइट हैंड जो है वो महबूबा मुफ्ती जी के माने गए और बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप जो है उनका हर जो है जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें था, वहाँ पे वो जाते थे। आपकी पार्टी का एक व्यक्ति उसको एक तरीके से एंटी नेशनल कह लें आप, वो इस वक्त बनाया है या फिर कह लें कि एजेंसीज प्रूव कर रही हैं कि वो एंटी नेशनल था, ठीक, क्या है वहदुरमान परा को लेकर पीडीपी का स्टैंड? देखिए हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मुझे आप एक बात बताइए कि वहदुरमान परा को अरेस्ट किया गया एनआईए के थ्रू, तो कोर्ट ने उनको बेल दी, जो एनआईए ने पहले उनके खिलाफ चलान पेश किया तो उसमें कोर्ट ने उसको बेल दी है, उसके बाद उसको दूसरी एजेंसी ने पकड़ा वहाँ से भी बेल दी है, अब तीसरा है, तो पिछले एक साल से उसको इलीगल डिटेंशन में रखा गया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर केस इन्होंने बनाया। अब बात यह है कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो अपोजिशन का लीडर ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ गलत कर रही है तो उसको देशद्रोही बना दिया जाएगा। जब एक यूथ कन्वेंशन एक की थी कश्मीर में, तब वो राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे, वो उस कन्वेंशन में आए थे, स्पोर्ट्स काउंसिल की तो कोई थी, और होम मिनिस्ट्री ने उनको एक सर्टिफिकेट दिया था कि इन्होंने इतना बड़ा यूथ यहाँ इकट्ठा करके उसको मेन स्ट्रीम में लाया, हम इसके इस वर्क को अप्रिशिएट करते हैं, लिख के दिया होम मिनिस्ट्री, मैंने नहीं दिया, उन्होंने दिया है जो वो कहते हैं। आज वही होम डिपार्टमेंट कहता है नहीं जनाब ये गवर्नमेंट के, ये उस वक्त जो था वो भी आप ही सुनिए कहते हैं, बीजेपी आप ही की तरह कहती है, जब हमें लगा गलत, जब सेंटर का होम मिनिस्टर वहाँ आके उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके प्रोग्राम में बैठते हैं, तब वो ठीक था, तो आज 4 साल के बाद कहते हो उसके वहाँ लिंक थे, अगर लिंक थे तो फिर इनके ऊपर भी जाँच होनी चाहिए ना कि ये उनके साथ क्यों, आप मेरा इंटरव्यू लेते हो, आप कहते हो सोनू बहुत अच्छा आदमी है, तो 2 दिन के बाद आप कहते हो जी मेरी गलती है जी, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, जहाँ गलती भी नहीं मानते हो, आप कहते नहीं मैं वहाँ गया उसके हाथ ठीक नहीं थे, तो इट मीन्स आपको पता था 2 दिन कि मैं ठीक आदमी नहीं हूँ, तो फिर तो सवाल आपके ऊपर भी उठने चाहिए ना। मैं ये कहता हूँ कि अगर उसने एक वहाँ कन्वेंशन की, होम मिनिस्टर साहब वहाँ गए, उन्होंने अप्रिशिएट किया, मैं पर्सनली वीरेंद्र सोनू को थोड़ी जानता हूँ, होम मिनिस्टर साहब पर्सनली थोड़ी जानते थे, नहीं ना आपके कहने पे, मेरे कहने पे होम मिनिस्टर साहब नहीं ना आएंगे, कैसे आएंगे जब आप जी के कहने पे आए, नहीं महबूबा जी के कहने पे अगर आए तो होम मिनिस्टर साहब ऐसे थोड़ी ना आ जाते हैं जब तक वो देखते नहीं हैं। और बाकी ये देखिए ये किसी को भी मिलिटेंट बना देंगे, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि अगर भाई उसने कोई गलत किया है तो कार्रवाई करो, तो लेकिन तब आप कहाँ थे? जब आप कहते हो कि 4 साल पहले वो 5 साल पहले कह रहे थे ना वो कर रहे थे, तब तो होम मिनिस्टर साहब उनके प्रोग्राम में गए। और दूसरी बात ये है कि वो मसला कोर्ट में है, कोर्ट ने उनको बेल दी है, अगर दूसरे वो है तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उन्होंने क्या गलत है क्या ठीक है क्या किया क्या नहीं किया। आप तो बैक कर रहे हैं वहदुरमान परा को और पीडीपी बैक कर रही है? हम सिर्फ एक सच की बात ये कह रहे हैं कि अगर आपके नज़र में कोई आदमी दोषी है, ठीक है, तो कोर्ट ने उसको बेल दी है, तो दूसरे उसने आपने पकड़ा तो कोर्ट विल डिसाइड कि वो है कि नहीं है। यहाँ हर चीज़ का प्रावधान है ना, कोर्ट है, कोई एलिगेशन अगर किसी पर लगा कोर्ट उसको प्रूव करा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब वो होम मिनिस्ट्री ने ही उनको अप्रिशिएट किया कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो मेन स्ट्रीम में, तो तब आप ठीक था, आप ये गलत हो गया, तो हमारी समझ में ये नहीं है। हाँ बाकी कोर्ट जब अगर मसला कोर्ट में है तो कोर्ट विल डिसाइड। ये थे वीरेंद्र सिंह सोनू जी, एडिशनल स्पोक्सपर्सन पीडीपी। और बर्निंग इशू एक ही था
वो था इस वक्त फ़िलहाल के लिए, वो था सबसे ज़्यादा पावर कटिंग और जो लोड शेडिंग चलती जा रही है लगातार जम्मू में वो, और उसके साथ साथ डी लिमिटेशन पर जिस तरीके से सब लोग स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं वो, और उसके साथ साथ पार्टी में इस वक्त क्या चल रहा है, और जिस तरीके से नेशनल एजेंसीज लगातार विद्रुमनपरा पे इल्ज़ाम और कोर्ट में जो है उनको लेके जा रही हैं बार बार किसी ना किसी आरोप में, वो इस वक्त कंसर्निंग के सवाल थे, बिल्कुल मैंने पूछे और उनका जवाब जो है वो आपके सामने है। अपनी कमेंट में राय ज़रूर रखिएगा, राय जो है वो हमें मजबूर करती है कि हम उस पर बात करें। साइनिंग ऑफ।